दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के साहबजादों के इतिहास में स्कूली सिलेबस में शामिल करने को कैनेडा की अलबर्टा सरकार ने तैयारी कर ली है। इस संबंध में उतों की सिख्या मंत्री एड्रियाना लांगरेज ने सिख्या महकमे इस संबंध में विचार वटांदरा करने तो बाद रिपोर्ट करने कहा है। अंतरराष्ट्रीय पद्धर से इस मुद्दे को चुकन का सिरा समाज सेवी सुखदेव सिंह वालिया को जाता है जो पिछले 3 वर्षों तो भारत देश और दुनिया भर के देशों की सरकारों के नाल लगातार संपर्क करते आ रहे हैं। वालिया ने इतने इस प्राप्ति की खुशी सांझी करदिआं दस्सिआ कि अलबर्टा सरकार की सिख्या मंत्री ने उन्होंने अपने भेजे एक संदेश में चंगा सुझाव देने लई धन्नवाद करदिआं कहा कि उन्हां दी सरकार अध्यापकां दे नाल गलबात कर रही है ताकि इस इतिहासक जानकारी नूं स्कूली बच्चों एक विषय के रूप में पढ़ाया जा सके। उन्होंने दस्सिआ कि कैनेडा की सस्कैचवन स्टेट सरकार के सिख्या मंत्री ने भी उन्हां वल्लों भेजी गई ईमेल का जवाब दिंदिआं यह पुछिआ है कि इस महत्वपूर्ण इतिहास में किस रूप में असीं शामिल करके बच्चों सिख्यात कर सकते हैं। वालिया ने यह भी जानकारी सांझी की कि उन्होंने इस संबंधी पंजाब सरकार नूं ईमेल की तो इस संबंध में सूबा सरकार वालों उन्होंने एक पत्र भेज के दसया गया कि साहबजादा बाबा फतेह सिंह के नाते बहादुरी अवार्ड और दीवान टोटमाला के नाते सोने का सिक्का रिलीज़ करने संबंधी भारत सरकार ने सिफारिश कर दी है। उन्होंने दसिया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी उन्होंने सुझाव से सहमति प्रकट करते हुए यह कहा कि छोटे साहबजादों की शहादत दिवस में बाल सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने संबंधी विधानसभा के स्पीकर ने बन की कार्रवाई शुरू कर दी है। वालिया का मानना है कि जेकर सरकारा बाल सुरक्षा दिवस या बाल दिवस छोटे साहबजादों की शहादत वाले दिन मनाने का ऐलान करन तो बच्चे यकीनी तौर पर अपनी हम उम्र के साहबजादों की बहादुरी निडरता और त्याग की भावना तो प्रेरित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजी कॉम टीवी।